और ये रंगोली बनाया है नैन्सी ने 600 रुपए का। श्री राम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की ड्यूटी है बर्तन धोने की, तो आज मैं बर्तन धो रहा हूँ और पहले दाल चावल चढ़ा लेता हूँ, वो पकते रहेगा और मैं बर्तन धोते रहूँगा तो दो काम एक साथ हो जाएगा। तो ऐसे मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूँ किचन का काम करते हुए। आज समा रेस्ट पे है और आज मैं किचन पे काम के लिए हूँ, तो थोड़ा सा काम करते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस, मैंने बर्तन धो लिया है और दाल मैंने चढ़ा दिया, अभी ये डबकेगा तो ये ठीक हो जाएगा। बाकी चावल भी बना लिए मैंने और अपना काम आज का पूरा हो गया। नहाते हैं धोते हैं फिर मुझे कहीं जाना है, पता नहीं मैं वहाँ जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, बट कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं जा पाऊँ। बट ये याद है आप लोगों को, ये याद है, किसको याद है बताओ, कोई मेरा कोई पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो ये उनको याद होगा, कमेंट करके बताना ये इसकी कहानी क्या है। तो जस्ट मैंने काम अपना, ओह लाइट चला गया, तो मैंने जैसे अपना काम ख़त्म किया था किचन का, उसके बाद फिर ना इतना क्या बोला था पापा थोड़ा सा होमवर्क करवा देते। हाँ नहीं, यू फॉर अम्ब्रेला बेटा, ओके। तो यहाँ पे आई एफ और ई सीख रहा है बनाना, और इसका होमवर्क मतलब घर का कॉपी है, होमवर्क कराता नहीं मैम, मतलब क्लास वर्क तो अपनी कॉपी में कराते हैं, तो एक कॉपी हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं तो घर पे इस पे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। मैम अगर आप देख रही हो तो देख लीजिए, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग उसी की सांसों की आवाज, फुल कॉन्सेंट्रेशन। इधन A for apple, B for wall, C for yes, D for door. Very good. चलो कंप्लीट करो, पूरा लिखना है वहां से नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ से। चलो बाय करो पापा को। कहाँ जा रहे हैं पापा? कहाँ? रायपुर। रे बेटा कोरबा बोलो। कोबरा। तो मैं कोरबा जा रहा हूँ और इथन को बाय बोल रहा हूँ। बाय करो, बाय। हेलमेट, ग्लव्स, बैग, जैकेट, और मैं इसका मतलब मैं जा रहा हूँ आज बाइक से कोरबा, और मैं इसे जाने वाला हूँ। मेरे पास ऑप्शन था इसका और ऑप्शन था इसका, तो मैंने चूज़ किया है इसको। तो बहुत दिनों के बाद मैं बाइक राइड पे निकल रहा हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस प्रे करते ना सेफ जाऊँ, सेफ वापस आ जाऊँ और बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा। तो गाइस मैं पहुँच गया हूँ जयंत के घर, और ये रहा जयंत, ये है जयंत लकड़ा, है जयशु, और बहुत दिनों कोड़ें, के कोड़ें, 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 कोड़ें। रेडी नहीं हुए यार आप? अरे नहीं हुआ हूँ। अरे मेरे को लगा रेडी रहोगे। चलो ना, ठीक है फिर इसको अंदर करना पड़ेगा, आप कर दो ना, तो फिर गाड़ी वाड़ी आती रहती है। गाइस अभी जयंत हमें गिफ्ट शॉप पे लेकर के आया है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पसंद आता है। तो गाइस हम ढूंढ रहे हैं कुछ प्यारी सी चीज़ जो हमें मिल नहीं रहा है, और देखते हैं जयंत भैया, मैं खुद डर गया था, अभी हम जयंत भैया कहाँ घुमाते हैं। अच्छा ये ए टू जी बोलते हैं, जेड बोलते हैं, भगवान जाने क्या है, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मिलता है। जैबरा ना, हाँ सुंदर सा गिफ्ट जैन भैया ने वो क्या बोलते हैं पसंद कर दिया है, और अभी हम जा रहे हैं। दोनों जन पसंद किया, हम वैसे यही ढूंढ रहे थे कि वाले राहुल फैंसी स्टोर में तो मिला नहीं, यहाँ बगल वाले शॉप पर मिल गया। और ये हमारी बाइक है और ये पता नहीं किसी की कार लगी हुई है। तो गाइस हम आए हैं द कार स्टूडियो, और कोरबा में ये है, आप लोग एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हालांकि ये ना सिर्फ कार मॉडिफिकेशन स्टोर है, और जहां मैं वो वहां पे एक जिससे मिलने आया हूं वो तो दिख नहीं रहे हैं, बट ये मॉडिफाई करो ये मिल गए हैं यहां पे। ये और ये रंगोली बनाया है नैन्सी ने 600 रुपए का, 600 रुपए का फ्लावर लेके आए थे। और ये भैया की शॉप है, सेकंड ऑनर, और मतलब फर्स्ट ऑनर दो ऑनर है शॉप के, एक ये वाले भैया ऑनर हैं और एक और जो है वो दिख नहीं रहे मुझे, मिलाते हैं आपको। तो ये एक्चुअली मोंटो की कार है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह हुआ है, तो वो तो मैं अभी डिटेल से नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि वो बहुत भीड़ भाड़ है और इधर बाहर भी भीड़ है, तो अभी मेरे निकलने का समय हो रहा है, तो फिर कभी आएंगे और डिटेल से दिखाएंगे कि शॉप पे क्या क्या है। बाकी कार का नाम द क्या है यार, द कार स्टूडियो है कोरबा में, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मोंटो को ढूंढते हैं और निकलते हैं। ये जो है ना, ये है इस शॉप के मालिक, और देख नहीं पा रहे हैं इधर, बट बिजी हैं, व्यवस्था को देख रहे हैं। बाकी किसी दिन आऊँगा तो आराम से मिलवाऊँगा, अभी तो फिलहाल क्या ही बताएं, सब बिजी है, मेरे से भी कमी बाकी है।
वैसे वो बात ही बहुत कम करते हैं। एक बार वो फेस तो दिखा दो। हाँ बस यही है, यही है, यही है। तो गाइस ये समय जाने का है और ये अभी ड्यूटी से आए हैं, तो अभी इनको बधाई, बहुत बहुत बधाई कि आपका नौकरी चाकरी लग गया है ना, बिजी रहते हैं। और आप जल्दी से आओ बिलासपुर और मेरे को फोन करो, ठीक है? भले उस पार में, उस बार। अब ठीक है, मैं तो बिलासपुर आऊंगा, मगर इनको बोलो कि अब जब भी आए ना रुक के जाए। मैं जब भी आता हूँ यहाँ रुकता ही नहीं हूँ, निकल जाता हूँ। रुकते हैं बहुत बाई चांस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कोशिश करेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ, बिलासपुर पहुंच गया हूँ और किस्मत अच्छी थी, कहीं पे पानी नहीं गिरा अभी। ये मेरे घर के जानवर लोग हैं यहाँ पे। क्यों दौड़ लगा रहे हो मेरे पे? अरे मेरे पे चक्कर आ रहा है। हाँ खाना खा के आ रहा हूँ। हाँ खाया खाया, क्या बोल रहा था यार, चक्कर आ रहा है उनको। हाँ गुड नाइट गाइस, सही सलामत पहुँच गया हूँ। किस्मत अच्छी थी, पानी कहीं नहीं मिला था। खड़े खड़े गिर रहा है। किस्मत अच्छी थी, पानी कहीं नहीं मिला। और जैसे ही बिलासपुर में तो पानी गिरा था बहुत ज़ोर से, और मैं जब पहुँचा तो पानी रुक गया था और पूरा रोड में पानी भरा हुआ था। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। अरे मत करो, अरे यार। हाँ थैंक टू गॉड, मतलब प्रभु का धन्यवाद, तुमने मुझे सही सलामत पहुंचा दिया वापस घर। और क्या ही बोलूँ, आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, गुड नाइट।